बैक टू श्वेताज वर्ल्ड गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग ठीक हो, घर पे हो, सेफ हो एंड यू गाइस आर एंजॉयिंग योर लॉकडाउन, और जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है वहाँ पे आप लोग एवी एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर हॉल वीडियो, और दिस टाइम आई एम बैक विथ यू नो स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का हॉल वीडियो। सो गाइस, मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर अभी रिसेंटली देखा। आई नो ये बहुत ही पुरानी वेबसाइट है, बहुत लोगों ने ऑलरेडी सामान खरीदे भी होंगे, बट मैंने रिसेंटली कुछ सामान परचेज किए हैं और मैंने यूट्यूब पे भी इसका रिव्यू देखा, तो यू नो बहुत सारे लोगों ने इसके नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए। सो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि यू नो एक्चुअली स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से सामान कैसा आता है। सो मैं नो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, मैंने सोचा कुछ सामान मंगाती हूँ एंड लेट मी सी ऑल्सो कि यू नो उसमें से कैसा सामान आता है, अच्छा आता है, खराब आता है, यू नो क्वालिटी कैसी होती है एक्सेट्रा। सो गाइज, जिसको नहीं पता, सो लेट मी जस्ट टेल यू, स्ट्रीट स्टाइल स्टोर एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको यू नो शूज, क्लोथ्स रिलेटेड टू मैन वुमेन, सारे तरीके के आपको कपड़े, थोड़े बहुत आपको यू नो स्टेशनरी आइटम्स आपको आराम से मिल जाते हैं, और वहाँ पर आपको एक अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है, डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 999 में 3 शूज मिल जाएंगे, 999 में 3 क्लोथ्स मिल जाएंगे। सो इस तरीके से है गाइस। और मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसकी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, वो है इनका यू नो डिलीवर करने का टाइम। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मंथ्स ले लेते हैं आपके प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने में। सो अगर आप कहीं जाने के लिए आप कोई सामान खरीदते हो स्ट्रीट स्टाइल, सो गाइस आप अपना टाइम लेके खरीदना, बिकॉज मैंने जब ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया और मुझे ये प्रोडक्ट कल रिसीव हुआ और इसको ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 1.5 मंथ्स लग गए इस प्रोडक्ट को मेरे तक आने में। सो अगर आप सामान खरीदते हो, सो प्लीज़ 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 आप अपना टाइम रेंज लेकर खरीदना अगर आप इसमें से खरीदते हो। सो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कैसे आया एंड यू नो क्वालिटी एंड एवरीथिंग, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं। सो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ एंड आई एम रियली 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 एक्साइटेड टू शेयर विथ यू ऑल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स कैसे आए हैं एंड लेट्स गेट इनटू दैट। And guys, you know, इसकी पैकिंग बहुत ही बेकार है, आई मस्ट से, यू नो मतलब जैसे हमारे नॉर्मली अमेजोन वगैरह के प्रोडक्ट्स आते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा वो कार्डबोर्ड एंड ऑल दैट यूज़ करते हैं, बट इनकी पैकिंग ऐसी है ना कि एकदम चिपका के और सारे शूज़ एंड यू नो एक ही में डाल के। सो आई वॉट मुझे एक्चुअली ख़राब लगा वो था इनकी लिटरली पैकिंग। सो आई डोंट नो, बिकॉज एक महीना लग जाता है तो मे बी रास्ते में कहीं भी ख़राब होते हो, बट आई हैव नो आइडिया, बट हाँ मुझे इसकी पैकिंग बहुत ही बेकार लगी। सो ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से देखा, कि जब मेरे को प्रोडक्ट मतलब यू नो मेरे हाथ में आया तो उसकी पैकिंग देख के मेरा मन बिल्कुल ख़राब हो गया। बट देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन इज़, मैंने एक्चुअली गाइस 999 में 3 सैंडल्स ऑर्डर किए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पहला वाला जो किया है तो वो कुछ इस तरीके से है, दिस इज द वन। और यू नो क्वालिटी वाइज आई मस्ट से मुझे ये अच्छा लगा, सीरियसली अच्छा लगा गाइज। आप ये देख सकते हो आजकल यू नो ऐसे काफ़ी ट्रेंडी में हैं, एंड मैंने इसे H&M में भी देखा था, और H&M में कुछ 2400 का था एंड 2400 एंड दिस 333 में यार बहुत ही फ़र्क है। बट लेट मी जस्ट टेल यू, मुझे ये बहुत अच्छा लगा गाइस। और यू नो नीचे ऐसा नहीं है कि यू नो आप ऐसा लग रहा हो कि ये नीचे काफ़ी ज़्यादा फ्लैटी टाइप्स होगा, नहीं नीचे कुशन है, सो ऑफकोर्स कहीं से भी चुभने का या किसी भी तरीके की चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ऑफकोर्स ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, सो ऑफकोर्स ये वाला तो आई जस्ट लव दिस वन। मैंने जब ये ऑर्डर किया था तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, मुझे लगा यू नो कहीं से चुभेगा या यू नो निकलने का डर होगा बिकॉज ऑफ द रिव्यूज एंड एवरीथिंग, बट नहीं गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आप इसके देख सकते हो यहाँ पे भी यू नो निकलने का कोई चांस नहीं है और कहीं से भी चुभने का भी चांस नहीं है, तो फ्लैट इज रियली गुड, आप किसी के साथ भी इसे वेयर कर सकते हो। और हाँ मुझे आई थिंक थोड़ा सा कलर डिफरेंस लग रहा है, बिकॉज जो कलर उसमें साइट में था और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ठीक है, इट्स ओके। आई मीन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे ज़्यादा, बट द क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज रियली गुड, सो आप अगर खरीदना चाहते हो तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो, अ ग्रेट थम्स अप। तो नाउ कम्स टू द सेकेंड वन, तो सेकेंड वन है कुछ इस तरीके से, आई होप आप देख सकते हो। सो ये मुझे अच्छा लगा, लेट मी जस्ट टेल यू, बट इसका जो प्रोडक्ट है आप ये देख सकते हो इस तरीके से आ रहे हैं, सो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खराब लगी। आई मीन नया प्रोडक्ट और इस तरीके से आना इज़ रियली रियली
really bad. I don't know why, but हाँ ये वैसे बहुत ही प्यारा है. आप you know इसको किसी के साथ भी wear कर सकते हो, with the suit, with the not with the साड़ी, with the suit, with the jeans, everything. But just a problem is this one. So मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा. But हाँ नहीं, of course जैसे मैंने कहा 333 में आप क्या expect कर सकते हो. But हाँ the quality wise अगर आप देखो, so ये quality wise अच्छा है. The thing is, ये भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको यू नो चुभने का डर हो और किसी. और सबसे बेस्ट पार्ट ये है, ये रबर आपके पैर को ईजिली सपोर्ट कर रहा है, सो आपके निकलने के चांसेस नहीं है. सो ये भी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इसमें. और इसका ये जो दिया हुआ है, ये तो इसको बहुत ही ज़्यादा यू नो स्टाइलिश लुक देता है. सो ईच एंड एवरी थिंग इज ग्रेट इन दिस प्रोडक्ट. द ओनली प्रॉब्लम इज दिस वन. सो नॉट अ ग्रेट थम्स अप, बट या मीडियम वन. सो नाउ कम्स टू द थर्ड वन. द थर्ड वन है गाइज ये सैंडल. ये भी वही 333 में मुझे मिली. सो दिस इज द प्रोडक्ट, आई होप आप देख सकते हो. तो इस प्रोडक्ट में द प्रॉब्लम इज गाइज कि इसमें हमें पीछे सपोर्ट सिस्टम नहीं है. सो जब मैं इसको पहन के वॉक करने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे पैर ऐसे पीछे से उठ जा रहे हैं. और इसको कभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये निकल जाएगा मेरे यू नो चलते टाइम, वॉक करते टाइम भी मेरे पैर से आराम से निकल जाएगा. सो या तो साइज इशू हो सकता है या आई हैव नो आइडिया, बट मुझे ये प्रोडक्ट सूट नहीं हुआ. आई मीन मेनो पैर में अच्छा, ऑफकोर्स क्यूट प्रोडक्ट है, पैर में अच्छा दिख रहा है, बट ऐसा लगता है वॉक करते टाइम ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. एंड द प्रॉब्लम इज ऑल्सो कि ये पीछे कुशन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है ना अगर हम थोड़ा ज्यादा वॉक करेंगे तो हमारे पैर में पेन भी कर सकता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट इज क्यूट, बट ओवर एंड ऑल अगर आप इसको यू नो क्वालिटी वाइज और वैसे चेक करोगे तो, और ये वेलवेट है तो वेलवेट वाली फीलिंग नहीं आ रही है. यू नो द प्रोडक्ट इज लिटिल हार्ड. आई डोंट नो, बट मुझे ये वाला प्रोडक्ट उतना पसंद नहीं आया. सो not a great thumbs up, a medium one. So this is the third product and a medium thumbs up. So now comes to the fourth one. So fourth maine ek ye wali sandal order ki hai. So guys ye मुझे कुछ 699 में पड़ा. इसमें कोई भी ऑफर नहीं था, तो ये कुछ इस तरीके से है. आप इसमें यू नो इस तरीके से दिया है, आप इसको आराम से बांध सकते हो. बट गाइज लेट मी जस्ट टेल यू, दिस प्रोडक्ट इज रियली ग्रेट. आई मीन इसमें जो ये वेलवेट वाली फीलिंग है वो एक्चुअली प्रोडक्ट में फील हो रही है. पैर में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ऑफकोर्स ये पहनने के बाद कंफर्टेबल भी हैं. ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि यू नो कंफर्टेबल नहीं हो, ये हील्स कंफर्टेबल नहीं है, बट गाइज ये एक्चुअली कंफर्टेबल भी हैं. और यू नो 699 में मुझे नहीं लगा था इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है. सो ऑफकोर्स इन सारे में से मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो यही था. ऑफकोर्स इसमें भी कुशन है, ऑफकोर्स इसमें आपको पैर में कोई चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कुशन वाली फीलिंग है, वेलवेट वाली फीलिंग भी आ रही है, एंड पैर में ये बहुत 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 क्यूट लगते हैं. सो ऑफकोर्स 699 में ऑफकोर्स अ ग्रेट डील. सो दैट वॉज ऑल, ये थे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने स्ट्रीट स्टाइल से ऑर्डर किए थे. एंड आई रियली होप आपको पसंद आए होंगे. ऑफकोर्स आपको सारे पसंद नहीं आए होंगे, बिकॉज मुझे ही जब सारे पसंद नहीं आए तो ऑफकोर्स आपको कहाँ से पसंद आएंगे. बट गाइज यू नो वट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी चीज़ स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से खरीदने की, सो आप एक बार सोच लेना. इनकी एक प्रॉब्लम ये है गाइज कि इनके रिटर्न पॉलिसी बहुत ही बेकार है. सो यू नो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो आप डेफिनेटली उसे रिटर्न नहीं कर पाओगे. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो अगर आप यू नो कोई सामान खरीदने जा रहे हो, सो आपको उसका साइज एंड यू नो ऑफकोर्स अपने पैर का साइज एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए. भले ही वो क्लोथ्स भी क्यों ना हो गाइज, आपको अपना साइज डेफिनेटली पता होना चाहिए तभी आप खरीदना, अदरवाइज जस्ट स्किप दैट. बट हाँ आप खरीद सकते हो ऑफकोर्स, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर रियली क्यूट, प्रोडक्ट आर अफोर्डेबल और वो स्टाइलिश भी लगते हैं. एंड शूज में मैं एक और आपको सजेशन देना चाहूंगी कि जहां पर भी आपको यू नो पीछे सपोर्ट ना हो वो चीज़ मत खरीदना. बिकॉज यू नो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि जहां पर भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिन मेरे यू नो परचेज में, वहां पर मुझे चलने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है. सो डेफिनेटली आप वो चीज़ भी मत करना. एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन अगर ये वीडियो पसंद आती है. और यू नो मैंने स्ट्रीट स्टाइल से थोड़े कुछ क्लोथ्स भी मंगाए हैं. ऑफ कोर्स इनकी यू नो डिलीवरी टाइम काफी ज्यादा लेते हैं. मेरे पास जैसे ही वो आ जाते हैं मैं आप सबसे डेफिनेटली शेयर करूंगी. टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जो मैं बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूं. और आप अपने तब तक अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.